नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को एनएसयूआई ने बार-बार तकरार देते हुए हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा संस्थानों पर लगातार हमला बोल रही है और कॉलेज के छात्रों पर आंसू गैस छोड़ना देश में अघोषित आपातकाल को दर्शाती है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्यवाही को एनएसयूआई ने बवरता करार देते हुए हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार शिक्षा संस्थानों पर लगातार हमला बोल रही है और कॉलेज के छात्रों पर आंसू गैस छोड़ना देश में अघोषित आपातकाल को दर्शाती है। हमीरपुर कॉलेज गेट पर धरना दे रहे एनएसयूआई के छात्रों ने केंद्र सरकार की कार्यवाही के खिलाफ नारेबाजी भी की और छात्र हित में आगे भी प्रदर्शन करने की बात कही। चमक सूरज की नहीं, हमारे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। हम चले साथ तो चले कारवां, बात गुरूर की नहीं, हमारे एतबार की है। मेरे आवाज के दायरे में आने वाले अनुचा के साथी, कॉलेज के साथी, सुरक्षा कर्मी व मेरे अन्य साथी, साथियों आज ऐसा क्या कारण, आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एनएसयूआई को कॉलेज गेट पर अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। साथियों आपको पता होगा, आप में से बहुत से एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और कॉलेज के छात्रों पर लाठी चार्ज करना व आंसू गैस छोड़ना देश में अघोषित आपातकाल को दर्शाता है। आज एनएसयूआई हमीरपुर ने कॉलेज गेट पर जो जामिया यूनिवर्सिटी में जो नरसंहार जो इस केंद्र की सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया है, उसके विरुद्ध में हमने जो है वो धरना प्रदर्शन किया है। ये देश जो है हम सब लोगों ने जो है अपने खून पसीने से बनाया है, हमारे पूर्वजों ने, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर बनाया है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो तानाशाही तरीके से है वो छात्रों की आवाज़ जो है वो दबा रही है और इसके विरोध में आज एनएसयूआई हमीरपुर ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि अगर भारत का छात्र, अगर भारत की सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद में जो है वो आवारा लोग जो है वो राज करेंगे। हम लोग इस घटना का कड़ा विरोध करते हैं और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के जो दमनकारी नीतियाँ हैं वो इनको जो सरकार जो है वो बंद नहीं करती है तो एनएसयूआई जो है इसका बड़े स्तर पर जो है विरोध करेगी। जय हिंद, तिरंगा सलाम, जय एनएसयूआई।